अगर आप लोग अपने दोनों हाथों से लिखना चाह रहे हैं एंड आप लोग एक डिसेंट टाइम में एम्बिडेक्स्ट्रस नहीं बन पाए हैं अभी तक, सो देन ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो तो बताने ही वाला हूँ कि आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हो, उसी के साथ साथ आप उन मिस्टेक को कैसे अवॉइड कर सकते हो एंड क्या कुछ ऐसे एड ऑन कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस में, जिससे कि आप लोग कम से कम समय में जल्दी एम्बिडेक्स्ट्रस बन जाओ। सो इसलिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो इसलिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो बिना कोई देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एक एम्बिडेक्स्ट्रस बनने का एंड अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से लिखने का, इन दोनों को ही सीखने का टाइम ड्यूरेशन बहुत अलग अलग है, जिसको मैं पहले अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, बट आप लोगों को फिर बता रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों ही स्किल्स अलग अलग हैं। अपने दोनों हाथों से लिखने एक ही टाइम पर, ये एक अलग चैलेंज हो जाता है, क्योंकि इसको सीखने के लिए हमें अपने माइंड को भी ट्रेन करना पड़ता है एंड अपने हैंड्स को भी ट्रेन करना पड़ता है। बट सिर्फ अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से लिखना ये थोड़ा इजी टास्क हो जाता है, जिसको आप 3 to 4 months में सीख सकते हो इजीली। सो अगर आप लोग इस स्किल को सीख रहे हो, आपका एक रोड मैप क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, आपको कोशिश करनी है कि आप लोग सबसे पहले अपने नॉन डोरमेंट हैंड को ये ट्रेन कीजिए, एंड नॉन डोरमेंट हैंड से मेरा मतलब है कि आप लोग सारा काम अपने नॉन डोरमेंट हैंड से ही करवाइए, क्योंकि उससे होगा ये कि आपकी जो मसल पावर है वो दोनों ही हैंड में शिफ्ट हो जाएगी एंड आपका लेफ्ट हैंड भी आपके राइट हैंड के जितना ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। देन उसके बाद आपको जब अपने नॉन डोरमेंट हैंड से लिखना सीख जाओ, देन उसके बाद जब आप अपने नॉन डोरमेंट हैंड पे मास्टरी कर लो, तब आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोग दोनों हाथों से इक्वल समय पे लिखने की प्रैक्टिस करो। और अगर आप लोगों को अपने दोनों हाथों पे इक्वल कंट्रोल है, देन आप लोग ये काम इजिली कर पाओगे। बट रिमेम्बर कि आप लोगों को इन स्किल को सीखने के लिए एक पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये स्किल एक या दो दिन की प्रैक्टिस से नहीं होने वाली है, आप लोगों को ये सब सीखने के लिए टाइम चाहिए। अब आप लोगों को प्रैक्टिस कैसे करनी है एंड कौन कौन सी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है ताकि आप लोग एक कंप्लीट एम्बिडेक्स्ट्रस बन जाओ या फिर अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से लिखना सीख जाओ। नंबर वन, एक आप लोगों ने इस स्माइली बॉल को देखा होगा, इस स्माइली बॉल को अगर आप लोग अपने दोनों हाथों से या फिर अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से ही प्रेस करते हो, देन ये आपके फिंगर्स एंड आपके हैंड में एक मसल पावर जनरेट करती है। नंबर टू, एक रबड़ बैंड को अगर आप लोग अपने फिंगर्स के बीच में टाई करके एंड अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करते हो, देन ये आपके फिंगर्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी आपके नॉन डोमिनेंट हैंड के लिए। नंबर थ्री, आपको अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से कर्ली शेप्स या ड्राइंग्स बनानी है, जिससे आपको राइटिंग करने की प्रैक्टिस इजीली हो जाएगी। नंबर फोर, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को ट्रेन करने की, आप लोगों को एयर राइटिंग करना है। एयर राइटिंग मतलब आप लोगों को एक पेन से हवा में लिखने की प्रैक्टिस करनी है, एंड इस चीज का बेनिफिट ये है कि आप लोग इस एक्सरसाइज को किसी भी जगह परफॉर्म कर सकते हो, अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस एंड घर में भी। इसके लिए सिर्फ आपको एक पेन को पकड़ना है एंड हवा में लिखने की ट्राई करनी है। नंबर सिक्स, आप लोग पेन स्क्रैचिंग टेक्निक का भी यूज कर सकते हो, जिसमें कि सिर्फ आपको पेन को स्क्रैच करना है किसी भी पेपर पर या फिर किसी हार्ड सरफेस पर। बट बी रिमेम्बर, आप लोग किसी चीज को डैमेज ना कर दो, ये सिर्फ आपके फिंगर्स के लिए एक हार्ड एक्सरसाइज की तरह काम करता है। नंबर सेवन, अगर आप लोग अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से या फिर अपने दोनों हाथों से पेन स्पिनिंग ट्रिक्स परफॉर्म करते हो, देन ये आपकी हैंड्स एंड फिंगर्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज में से एक हो जाती है। सो इसलिए इसको भी जरूर परफॉर्म करके देखना एंड कोशिश करना आप जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पेन स्पिनिंग ट्रिक्स का यूज करो, जो कि आपको ज्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करेंगे। नंबर एट, ट्राई टू प्ले ऑल स्पोर्ट्स विद योर नॉन डोमिनेंट हैंड। आपको ट्राई करते रहना है कि आप लोग जितने भी स्पोर्ट्स है वो सारे नॉन डोमिनेंट हैंड से खेलो, स्पेशली क्रिकेट। नंबर एट, बॉल थ्रोइंग। अगर आप लोग अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से बॉल को थ्रो करते हो, देन इससे आपकी हैंड की एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। नंबर नाइन, प्लेइंग विद पेन कैप। आप लोग पेन कैप से खेलकर भी अपने थंब एंड अपने इंडेक्स फिंगर की एक्सरसाइज कर सकते हो। आपको जस्ट अपने लेफ्ट हैंड से या फिर अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से पेन की कैप को निकालना है, देन उसको दोबारा ही पेन के ऊपर लगा देना है, एंड इसी चीज को आपको कंटिन्यूसली रिपीट करते रहना है, जिससे कि आपके दोनों फिंगर्स की एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। बट इसके लिए कोशिश कीजिए आपको ऐसा पेन को यूज करना है जिस पेन की कैप उस पेन में अच्छी तरीके से स्टक हो जाए। देन लास्ट एंड सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है जो कि आप लोग अपने लेफ्ट हैंड से परफॉर्म कर सकते हो, वो है कि आप लोग वो अपने डेली रूटीन के सारे वर्क करने हैं अपने लेफ्ट हैंड से। एंड बिलीव मी, इससे बेस्ट एक्सरसाइज कोई नहीं है जिससे आप लोग अपने लेफ्ट हैंड की मसल मेमोरी जल्दी से गेन कर सकते हो, क्योंकि आप लोग अपने डेली रूटीन के जितने भी वर्क है या फिर अपने घर के काम है वो सब अगर आप लोग एक बार परफॉर्म करते हो, देन ये आपकी हैंड को बहुत ज्यादा ही पेन प्रोवाइड करते हैं एंड उसी वजह से आप लोग अपनी मसल पावर को गेन कर पाते हो। एंड क्योंकि हमारे डेली रूटीन के वर्क बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें हमारे हैंड को एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, तो उससे हमारे हैंड एंड फिंगर भी फ्लेक्सिबल हो जाता है। एंड अगर आप लोग इन्हीं सारी एक्सरसाइज को फॉलो करते हो, देन इससे आप लोग अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन कर सकते हो एंड कम से कम समय में आप लोग एक एम्बिडेक्स्ट्रस बन सकते हो। बट ट्रस्ट मी, इस स्किल को सीखने में आप लोगों को टाइम जरूर लग सकता है, बट हर किसी को उसके मुताबिक एंड सभी इस स्किल को एक डिफरेंट टाइम पर ही सीख पाते हैं। एंड अगर आप लोग एक एम्बिडेक्स्ट्रस हो, देन कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर आप लोगों को और भी कोई डाउट है, इंक्वायरीज है एम्बिडेक्स्ट्रिटी से रिलेटेड या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड, देन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं आप, एंड मैं ट्राई करूंगा उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने की। और अगर आप लोगों को ऐसी और वीडियोस देखना पसंद है, देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सो मैं मिलूंगा आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
बाय एंड टेक केयर ऑल।